हाय फ्रेंड्स आज हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टेक्निक सेपरेट चार्जेड पार्टिकल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिन मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होता है और उन्हें करंट की हेल्प से हम उनका सेपरेशन करते हैं उस टेक्निक को क्या कहेंगे ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन तो इसका आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज डेवलप्ड बाय सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके द्वारा डिस्कइड किया गया और कब किया गया इसके ऑप्शन है ट्सवेट सेकंड ऑप्शन है टसवेड्री नेक्स्ट ऑप्शन है टीसेलियस एंड लास्ट ऑप्शन है सेंगर तो इसका आंसर क्या आएगा टिसेलियस इसने कब डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस को 1930 में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन आयन के माइग्रेशन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी ऑप्शन देखते हैं हम शेप एंड साइज ऑफ मोलक्यूल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द शेप ऑफ द मोलक्यूल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द मोलक्यूल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द मोलक्यूल तो इसका आंसर क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेप ऑफ द मोलक्यूल क्योंकि जिस भी मोलक्यूल का जितना ज्यादा चार्ज होगा जिस पर वो ज्यादा स्पीडली मूवमेंट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ प्रोटीन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्री ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरिस इज इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एसडीएसपेज सेकेंड ऑप्शन है एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरिस थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोक्सिंग फोर्थ ऑप्शन है फ्री फ्लो इलेक्ट्रोफोरिस तो इसका आंसर क्या है एसडीएसपेज क्योंकि प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम एसडीएस का यूज करते हैं इसके फुल फॉर्म क्या है गी? सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पोलियमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिज ये हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में देखा अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिज वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिनोटेड एज म्यू इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज फर्स्ट ऑप्शन है वीई ई वाई वी वन वी एंड वी ई तो इसका आंसर क्या आएगा वी ई इसमें क्या होता है रेशियो ऑफ बायोमोलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोफोरेटिक फोरेटिक मोबिलिटी ऑप्शन क्या है इसके मोलक्यूलर वेट शेप ऑफ द मोलक्यूल साइज ऑफ द मोलिक्यूल स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मोलिक्यूल तो हमने देखा इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में जि, जिसमें मोलक्यूल पर ज्यादा चार्ज और और जो कम साइज का होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इसमें कौन सा इसमें नहीं होगा तो स्टेरियोकेमिस्ट्री पे ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा बाकी इन पे तो डिपेंड करता है इसकी मोबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉट यूज्ड सेपरेशन ऑफ प्रोटीन सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड सेपरेशन ऑफ लिपिड सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो इसका आंसर क्या आएगा सेपरेशन ऑफ लिपिड क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम प्रोटीन अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट कैन नॉट बी ए रीजन फॉर यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑप्शन है कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ डीएनए ऑर्गेनाइजिंग डीएनए बाय शेप ऑफ बैकबोन ऑर्गेनाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजिंग डीएनए इन ऑर्डर वी कैन सी तो इसका आंसर क्या आएगा ऑर्गेनाइजिंग डीएनए बाय शेप ऑफ बैकबोन क्योंकि हम डीएनए के टू सेट्स का कंपेयरिंग कम्पेर, कम्पेर, कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में और डीएनए के फ्रेगमेंट इसमें क्या ऑर्गेनाइज होते हैं लार्ज टू स्मॉल होते हैं और हम इनके डीएनए के ऑर्डर भी देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनका सेपरेशन करके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए विल बी माइग्रेट टोबार्ड ऑप्शन है कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो इसका आंसर क्या एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्योंकि हमें पता है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव टू तो पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करेगा तो हम डीएनए की तरफ एनोड का यूज करेंगे और वो फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ इसके ऑप्शन है पावरपैक एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट एंड डीएनए सेपरेटर बफर चैम्बर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट जेल बफर चैम्बर एंड पावरपैक तो इसका आंसर क्या आएगा पावर पैक एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज फॉर डीएनए सेपरेशन किसका यूज करेंगे हम एगार का पोलिय्रेलमाइड का एगारोस का आल ऑफ दबाओ का तो इसका आंसर क्या आएगा एगारोस जेल का पोलियरेड जेल का यूज किस में करेंगे मैं एस डी एस पेज में और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए और डीएनए के सेपरेशन के लिए एगारोस जेल का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टेक्निक सिचुएटेड फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट ऑप्शन है एजीई पी ए जी ई पी एफ जीई एस डी एस पी ए जी ई इनकी फुल फॉर्म क्या होगी ए जीई की क्या होगी एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिज पीए जीई की पोली एक्लियमाइट जेल इलेक्ट्रोफोरिस पी एफ जीई की पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिज और एस डी एस पेज की सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पोलिक्रेलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इसका आंसर क्या आएगा लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एसडीएस इन एसडीएस पेज ऑप्शन देखते हैं प्रोटीन डी एंड इम्पार्टिंग नेट नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट है इम्पायटिंग ओवरऑल नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन नेक्स्ट ऑप्शन है इम्पायटिंग इक्वल मास टू ऑल प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन एंड फोल्डिंग एंड इम्पायटिंग नेट पॉजिटिव चार्ज तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट प्रोटीन इन एंड इम्पायटिंग नेट नेगेटिव चार्ज का रोल करता है एच डी एस इन एच डी एस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस डी एस पेज से प्रशन इज बेस्ड ऑन ऑप्शन है मोलक्यूलर वेट चार्ज ऑफ द बो तो इसका आंसर क्या आएगा मोलक्यूलर वेट नेक्स्ट क्वेश्चन है एगोरस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाई एस्कुलेंटम फाइकम वेगनलेंसिज ग्लेसिलेरिया एस्कुलेंटस एंड एग्रोस्टिक स्टोलेनिफेरा तो इसका आंसर क्या आएगा ग्लेशरिया एस्पलेटस हम इससे एक्सट्रेक्टेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूरोस कैन डाई सच एज इथीडियम इज यूज फॉर विजुलाइजिंग डीएनए हाउ डू इथीडियम बाइंड टू द डीएनए ऑप्शन है स्टेक बिटवीन हिस्टोन मोलक्यूल बाइंड टू द न्यूक्लियोटाइड बेस इंटरकलेक्टेड बिटवीन द स्टेक्ट बेसिज एंड बाइंड टू द फोस्फोडाइस्टर बैकबोन तो इसका आंसर क्या है इंटरकलेक्टेड विटामिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फोलोविंग इज यूज एज ए ट्रेकिंग डाय इन एस डी एस पेज ऑफ प्रोटीन ऑप्शन है ब्रोमोफिनोल ब्लू एक्साइलेंसाइनोल, साइनोल एंड आल ऑफ द बो तो इसका आंसर क्या आएगा आल ऑफ द अब लास्ट क्वेश्चन है इन एन एस डी एस पेज प्रोटीन आर डी ने बायस प्रोटीन हैव द सेम चार्ज टू मास रेशियो स्मॉलर प्रोटीन माइग्रेट मोर रेपिडली दो दल एंड लास्ट ऑप्शन है आल ऑफ द बो तो इसका आंसर क्या आएगा आल ऑफ द अबो थैंक यू फ्रेंड्स आज हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कंप्लीट हो गई और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है थैंक यू